स्टूडेंट्स, जो आज के जो आपकी नेक्स्ट जो वर्कशीट है वो है जीरो जो पॉलीनोमियल, यानी कि सेकंड वर्कशीट है आपकी जीरो जो पॉलीनोमियल। देखिए, जीरो पॉलीनोमियल क्या होता है आपका, ये आप जैसे मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी, मैंने लिख दिया एक्स प्लस थ्री। तो जीरो पॉलीनोमियल का मतलब ये हो गया कि मैं इसके अंदर x की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू पुट करूं ताकि जो मेरी ये यहाँ पे एक्सप्रेशन है मेरा यहाँ पे क्या बन जाए, ये जीरो बन जाए। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू माइनस थ्री पुट कर दूँ यहाँ पे, तो जो आपका एक्सप्रेशन है क्या बनेगा, माइनस थ्री प्लस थ्री, और माइनस थ्री प्लस थ्री कितना बन गया आपका यहाँ पे जीरो बन गया। यानी कि जो आपका ये एक्सप्रेशन है एक्स इजिकल्स टू माइनस थ्री के ऊपर क्या हो गया आपका जीरो हो गया। तो यानी कि यहाँ पे जीरो जो पॉलीनोमियल क्या बन जाएगा, यानी कि एक्स इजिकल्स टू माइनस थ्री पे जो आपका पॉलीनोमियल है क्या बन जाएगा आपका, वो जीरो बन जाएगा। यानी कि एक्स इजिकल्स टू माइनस थ्री इस पॉलीनोमियल का क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। यानी कि जब इसके अंदर मैं माइनस थ्री जब पुट करूँगा यहाँ पे, तो आपकी यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बनेगा, जीरो बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा सिक्स एक्स माइनस का 12। अब आप कहोगे इसके अंदर मैं एक्स की वैल्यू ऐसी क्या पुट करूं कि यहाँ पे जो अपना एक्सप्रेशन है क्या बन जाए, वो जीरो बन जाए। यानी कि जो पॉलीनोमियल है मेरा पी ऑफ एक्स क्या बन जाए, मेरा यहाँ पे जीरो बन जाए। अंडरस्टैंड? तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे, तो वैल्यू निकालने का मेथड होता क्या होता है कि आप यहाँ पे पॉलीनोमियल ऑफ एक्स को यहाँ पे किसके इक्वल पुट कर लो, यहाँ पे जीरो के इक्वल पुट कर लो। तो देखिए, पॉलीनोमियल ऑफ एक्स आपका कितना लिखा हुआ है, सिक्स एक्स माइनस का 12 इज इक्वल्स टू आपका जीरो। जब आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो सिक्स एक्स इज इक्वल्स टू 12, और एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपके पास, वैल्यू आ गई 2 आ गई। यानी कि जब मैं इसके अंदर एक्स की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो जो मेरा एक्सप्रेशन है क्या बन जाएगा, वो जीरो बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 पुट की, और माइनस का 12, 6 टू जै 12 माइनस 12 कितना हो गया आपका, जीरो हो गया। अंडरस्टैंड? यानी कि यहाँ पे 2 क्या हो गया, 2 हो गया इस पॉलीनोमियल का जीरोज हो गया, यानी कि इसका सॉल्यूशन हो गया। यानी कि इसके अंदर जब मैं एक्स की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये पॉलीनोमियल मेरा क्या हो जाएगा, वहाँ पे जीरो हो जाएगा। अंडरस्टैंड? जैसे हम यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है आपके सेम आपके इसी पैटर्न के ऊपर बेस है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू, आपको पॉलीनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ये आपका लिखा हो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। देखिए, आपको वैल्यू निकालनी है एट पहला जो पार्ट है आपका, पहला लिखा हुआ आपका एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल्स टू आपका जीरो पे। देखिए, आपको वैल्यू निकालनी किसके ऊपर निकालनी, आपको एक्स की वैल्यू जीरो के ऊपर निकालनी। यानी कि आपको यहाँ पे आपका पॉलीनोमियल लिखा हुआ आपका पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। आपको चेक करना है कि x इज इक्वल टू जीरो पे, आपको यानी कि जहाँ भी आपको x नजर आए वहीं पे आप क्या पुट कर दो, जीरो पुट कर दो। जब पुट करोगे यहाँ पे तो p ऑफ जीरो इज इक्वल टू, इस p का मतलब होता है पॉलीनोमियल, और इस x का मतलब होता है इस पॉलीनोमियल के अंदर जो आपका वेरिएबल है, वो वेरिएबल पार्ट क्या है आपका, x आपका वेरिएबल पार्ट है। तो इसका मतलब क्या, p ऑफ x यानी कि पॉलीनोमियल ऑफ x हो गया। तो p ऑफ जीरो इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 3। तो आपका जो p ऑफ 0 आया कितना है, वो आया आपका यहाँ पे 3 आ गया। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट जो पार्ट है आपको चेक करना है किसके ऊपर, आपको चेक करना है x इज इक्वल टू माइनस 1। तो आपको जहाँ भी आपको x नज़र आए वहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, माइनस 1 पुट कर दोगे। जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो 5 इंटू में माइनस का 1 माइनस 4 इंटू में माइनस 1 का क्या हो रखा है, स्क्वेयर हो रखा है, और प्लस का आपका 3 हो रखा है। ये सेकंड पार्ट है आपका। जब आप यहाँ पे करोगे तो माइनस का तो हो गया 5, माइनस 1 का जब स्क्वेयर करोगे तो माइनस 1 का जब स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, माइनस 1 का स्क्वेयर ऑलवेज प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे माइनस का 4 हो गया, प्लस का हो गया आपका 3। तो माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 और प्लस 3 कितना हो गया यहाँ पे, माइनस का हो गया यहाँ पे आपका 6 हो गया। ये क्या हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है फाइंड पी ऑफ 0 पी ऑफ 1 पी ऑफ 2। सेम इसी पैटर्न के ऊपर बेस आपका क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे गिवन है। पॉलीनोमियल ऑफ y गिवन आपके पास यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट। ये आपका लिखा पी ऑफ y इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1, वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस का 1।
अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे आपको चेक करना है इनको तीन वैल्यू के ऊपर, किस किस को, पी ऑफ वन सबसे पहले चेक करना आपको यहाँ पे, पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन और यहाँ पे पी ऑफ टू। पी ऑफ टू का मतलब क्या, पोलिनोमियल किसके ऊपर चेक करना है आपको, जीरो के ऊपर चेक करना है। पोलिनोमियल ऑफ किसके ऊपर चेक करना है आपको, वन के ऊपर चेक करना है। और यहाँ पे किसको चेक करना है आपको, टू के ऊपर चेक करना है। आपके पास पोलिनोमियल ऑफ वाई गिवन है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। तो एक बार तो यहाँ पे वाई की जगह आप क्या पुट कर दोगे, जीरो पुट कर दो यहाँ पे। तो पी ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू, जब यहाँ पे पुट करोगे तो आप जीरो माइनस जीरो प्लस वन, तो पी ऑफ जीरो कितना आ गया आपका, यहाँ पे आ गया प्लस का वन आ गया। उसके बाद चेक करेंगे पी ऑफ वन के ऊपर चेक करेंगे, तो पी ऑफ वन आपका यहाँ पे बना है, यहाँ पे वन का स्क्वेयर, देखिए जब वन पुट करोगे तो वन का स्क्वेयर वन माइनस वन प्लस वन, वन माइनस वन तो हो गया आपका जीरो, और जीरो प्लस वन कितना हो गया आपका, वन हो गया। नेक्स्ट आपको चेक करना है पी ऑफ टू के ऊपर, जब चेक करोगे पी ऑफ टू के ऊपर तो टू का स्क्वेयर फोर माइनस टू प्लस वन, फोर में टू गया टू प्लस वन कितना बना आपका यहाँ पे थ्री, ये हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर जो सेकंड जो है आपका पूरा पैटर्न इसी के ऊपर बेस है, जो कि आपको आगे खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री सेम इसी तरह है, आपको वेरीफाई करना है फॉलोइंग आर द जीरो जो था पॉलीनोमियल, यानी कि आपको चेक करना है कि जीरो जो पॉलीनोमियल होंगे या आपके नहीं होंगे। आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले बताया था, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बाई थ्री। आपको इसको चेक करना है, और किसके ऊपर चेक करना है आपको, इसको चेक करना है कि x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री, यानी कि आपको चेक करना है कि ये जो x की वैल्यू जो है आपकी, ये इसका जीरोज होगा नहीं होगा। जीरोज का मतलब ये, जब आप इसके अंदर x की वैल्यू पुट करो तो जो आपका p ऑफ जीरो क्या हो जाना चाहिए, वो p ऑफ जीरो जो आपका क्या बन जाना चाहिए, जीरो बन जाना चाहिए। कब, जब आप इसके अंदर x की वैल्यू कितनी पुट करो, माइनस वन बाई थ्री पुट करो। अगर आपका जीरो बन गया तो इसका जीरोज होगा, अगर आपका जीरो नहीं बना तो इसका जीरोज ये आपका नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर अगर पुट करता हूँ यहाँ पर x की वैल्यू कितनी, माइनस वन अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस वन बाई थ्री, प्लस का यहाँ पे आपका वन बाई थ्री, एंड माइनस वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री यहाँ पे कितना हो गया आपका, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जीरो जो पॉलीनोमियल आपका होगा यहाँ पे। लेकिन नेक्स्ट आपको चेक करना है कि x इज इक्वल्स टू फोर अपॉन फाइव पे कि ये आपका जीरो जो पॉलीनोमियल आपका होगा या नहीं होगा। तो मैंने आपको अभी बताया था जीरो जो पॉलीनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन थी, कि जब इसके अंदर मैं x की वैल्यू पुट करूं तो जो आपका पॉलीनोमियल है किसके इक्वल हो जाना चाहिए, जीरो के इक्वल हो जाना चाहिए। जब मैं इसके अंदर x की वैल्यू पुट करूंगा तो फोर अपॉन फाइव इज इक्वल्स टू फाइव मल्टीप्लाई बाई फोर अपॉन फाइव, माइनस का कितना बनेगा आपका पाई बनेगा, फाइव से फाइव कैंसिल हो गया, इसका मतलब कितना है फोर माइनस का पाई। तो जो आपका पॉलीनोमियल है आपका जीरो के इक्वल आया, नहीं आया, तो इसका मतलब ये आपका एक्स इज इक्वल टू फोर अपॉन फाइव पे जीरो जो पॉलीनोमियल आपका नहीं होगा। थर्ड जो पार्ट है आपका, इसमें आपको सेम इसी तरह बताना है कि आपका जीरो जो पॉलीनोमियल आपका होगा नहीं होगा। बट इसके अंदर आपको एक बार कितनी वैल्यू दे दी, यहाँ पे दो वैल्यू दे दी, जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है पॉलीनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, पॉलीनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस का वन। आपको चेक करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू वन और x इज इक्वल्स टू माइनस वन, दोनों के ऊपर चेक करना है कि यहाँ पे आपका जीरो जो पॉलीनोमियल आपका होगा या नहीं होगा। यानी कि जब एक बार x की वैल्यू यहाँ पे वन पुट करूंगा, एक बार यहाँ पे x की वैल्यू मैं यहाँ पे माइनस वन पुट करूंगा, जब यहाँ पे पुट करेंगे अगर आपका जीरो बन गया तो आपका जीरो जो पॉलीनोमियल आपका होगा, अगर यहाँ पे जीरो नहीं बना तो आपका जीरो जो पॉलीनोमियल आपका यहाँ पे नहीं होगा। जब यहाँ पे पुट करूंगा तो पी ऑफ वन इज इक्वल्स टू, देखिए जब वन का स्क्वेयर करेंगे तो वन माइनस वन कितना बना आपका, जीरो बना। उसके बाद यहाँ पे माइनस वन पुट करेंगे तब कितना बनेगा आपका, देखिए माइनस वन का जब स्क्वेयर करेंगे यहाँ पे तो माइनस का वन, जब माइनस वन का स्क्वेयर करेंगे तो प्लस वन, माइनस वन इज इक्वल्स टू आपका जीरो। यानी कि एट एक्स इज इक्वल्स टू वन एंड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन, दोनों के ऊपर आपका जीरो जो पॉलीनोमियल आपका ये होगा। इसका सिक्स्थ पार्ट और है, वो हम सिक्स्थ सेवन्थ पार्ट हम करा रहे, जैसे वो है आपका लिखा हुआ है पॉलीनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस का वन। आपको चेक करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई रूट थ्री और टू बाई रूट थ्री, यानी कि आपको यहाँ पे x की दोनों वैल्यू पुट करनी है, जिसके ऊपर आपकी x की वैल्यू जीरो बन जाए वो आपका जीरो जो पॉलीनोमियल होगा, और जिसके ऊपर आपकी जीरो नहीं बनी वो आपका जीरो जो पॉलीनोमियल आपका नहीं होगा। यहाँ पे जब पुट करता हूँ तो p ऑफ x यहाँ पे कितना, माइनस का वन बाई रूट
थ्री यहाँ पे जब पुट करेंगे तो थ्री इंटू में, देखिए जब यहाँ पे स्क्वेयर करेंगे तो किसका स्क्वेयर करेंगे, माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वेयर करेंगे, माइनस का आपका वन हो गया, यहाँ से आपका बन गया पी ऑफ माइनस वन बाई रूट थ्री इज इक्वल्स टू थ्री इंटू में। जब देखिए जब इसका स्क्वेयर करेंगे तो माइनस का स्क्वेयर करेंगे तो आपका प्लस आएगा, जब रूट थ्री का स्क्वेयर करूंगा तो यहाँ पे कितना बन गया वन बाई थ्री बन गया, और माइनस का वन, थ्री से थ्री आपका कैंसिल और वन माइनस वन कितना हो गया जीरो हो गया, यानी कि x इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई रूट थ्री के ऊपर आपका जीरो जो पॉलिनोमियल आपका ये होगा। अब आपको इसको चेक करना है किसके ऊपर, टू अपॉन रूट थ्री के ऊपर, और चेक करना है जब आप इसको चेक करोगे टू बाई रूट थ्री के ऊपर। देखिए तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा, टू अपॉन रूट थ्री, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो थ्री इंटू में स्क्वेयर किसका बनेगा, यहाँ पे टू बाई रूट थ्री का स्क्वेयर बनेगा और माइनस का वन। जब आप यहाँ पे स्क्वेयर करोगे तो थ्री मल्टीप्लाई बाई टू का स्क्वेयर तो हो गया आपका फोर, और रूट थ्री का स्क्वेयर कितना हो गया थ्री, माइनस का वन, थ्री से थ्री आपका कैंसिल हो गया, फोर माइनस वन कितना है आपका थ्री, यानी कि आपका किसके इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि टू बाई रूट थ्री इसका जीरो जो पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा, और माइनस का वन बाई रूट थ्री आपका जीरो जो पॉलिनोमियल आपका यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल सेम आपका इसी पैटर्न के ऊपर बेस है। क्वेश्चन नंबर फाइव जो है आपका, उनके अंदर आपको जीरो जो पॉलिनोमियल आपको निकालने हैं, और वो कैसे निकालोगे वो देखिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हो, वो आपका लिखा पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव, यानी कि आपको अबकी बार ये बताना है कि x की किस वैल्यू के ऊपर आपका पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पे जीरो बन जाएगा। तो पैटर्न क्या आपका वो देखिए, सबसे पहला जो मेथड आपका बनेगा कि आप पॉलिनोमियल ऑफ x को आप किसके इक्वल पुट कर लो, यहाँ पे जीरो के इक्वल पुट कर लो। यहाँ पे जब यहाँ पे पी ऑफ x है, यहाँ पे आपका कितना था x प्लस फाइव इज इक्वल्स टू आपका जीरो हो गया, और जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे कितना आ गया माइनस का फाइव, यानी कि x की वैल्यू माइनस फाइव के ऊपर ये आपका जो पॉलिनोमियल है किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा जीरो के इक्वल हो जाएगा, यानी कि आपका जीरो जो पॉलिनोमियल क्या बना, जीरो जो पॉलिनोमियल बन गया आपका यहाँ पे माइनस का फाइव। जैसे सेकेंड पार्ट है आपका, सेवन्थ पार्ट ये आपका लिखा पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। जब आप यहाँ पे करोगे इसको तो प्रोसीजर वही सेम रहेगा, आपको यहाँ पे जीरो जो पॉलिनोमियल निकालना है, यानी कि आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट करो कि जो आप पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले आप पी ऑफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर लोगे, यहाँ पे जीरो के इक्वल, फिर उसके बाद पी ऑफ एक्स आपका क्या लिखा हुआ है सी एक्स प्लस में डी इज इक्वल्स टू जीरो, सी एक्स इज इक्वल्स टू आपका माइनस का डी, और एक्स इज इक्वल्स टू हो गया माइनस का डी अपॉन में सी, यानी कि एक्स की इस वैल्यू के ऊपर ये पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो वर्कशीट नंबर क्वेश्चन नंबर फोर जो था आपका पूरा इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड था। जैसे एक क्वेश्चन और जो है आपका ये लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स, आपको यहाँ पे निकालना है जीरो जो पॉलिनोमियल, तो वही सेम प्रोसीजर पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका जीरो, तो यानी कि आपका ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई आपकी जीरो, क्योंकि ए आपके इधर के डिवाइड में, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे आपकी जीरो हो गई। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।